कैसे हो मेरे गेमर भाई उम्मीद करता हूं बिल्कुल मस्त हो जबरदस्त हो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं पेड यूसी क्या होता है बोनस यूसी क्या होता है साथ ही साथ पेड यूसी कितने दिन में एक्सपायर हो जाता है बोनस यूसी जो होता है वो कितने दिन में एक्सपायर एक्सपायर हो जाता है अब का तो कुछ ऐसे बेवकूफ लोग होंगे जो ये कमेंट करेंगे कि यूसी तो कभी एक्सपायर ही नहीं होता है भाई यूसी की कोई एक्सपायरी डेट ही नहीं होती है अरे भाई पहले पूरा वीडियो देख लो लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ ठीक है क्योंकि मेरे पिछले वीडियो में भी कुछ बंदे ऐसे थे जो बोल रहे थे भाई तुमको नॉलेज नहीं है तुमको पता ही नहीं है कि यूसी का एक्सपायरी डेट नहीं होता है अरे महापुरुषों एक बार देख देख लो लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ लिखा हुआ दिखा रहा हूँ उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखा रहा हूँ और अगर भरोसा ना हो तो नीचे कमेंट में देख लेना बहुत सारे लोगों का यूसी अपने आप अकाउंट से कट जाता है वो क्यों कटता है उसका रीजन भी यही होता है कि उनका यूसी जो होता है एक्सपायर हो जाता है कौन सा यूसी एक्सपायर होता है कौन सा नहीं होता है पूरा डिटेल में दिखाने वाला हूं ध्यान से देख लेना ऐसे इंफॉर्मेशन आपको शायद ही कहीं पे देखने को मिले ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो में बनाता रहता हूं तो लाइक जरूर कर देना और पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब भी कर देना चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा ध्यान से देख लो मेरे भाई े जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा रखा है यह है BGMI की ऑफिशियल वेबसाइट जी हाँ दोस्तों अगर आपको मेरी बात पे भरोसा ना हो तो आप इनकी खुद की वेबसाइट जो है उसके अंदर चले जाना और सबसे नीचे आ जाना ठीक है सबसे नीचे आने के बाद यहां पे रूल नंबर नाइन जो लिखा है ये आप देख सकते हो अपनी आंखों से ये वाला ठीक है यही रूल आपको पूरा पढ़ लेना है आपको समझ में आ जाएगा देखो मैंने इसको पूरा पढ़ रखा है मैं आपको बताने वाला हूं ध्यान से देख लूँ मेरे भाई ठीक है सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो यूसी होता है वो दो तरह का होता है एक

वो कितने दिन तक रहता है वो रहता है दोस्तों केवल और केवल तीन मंथ तक जी हाँ दोस्तों अब ये चीज आप लोग सोच रहे हो कि मैं ऐसे ही फेंक रहा हूं या फिर इसका कुछ प्रूफ है तो चलो मैं प्रूफ भी आपको दिखा देता हूं तो यहां पर अगर आप रूल नंबर फाइव या सिक्स पढ़ोगे ना तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा जहां पर पे लिखा है पेड यूसी इज वैलिड फॉर फाइव ईयर फॉर द डे ठीक है उसके बाद बोनस यू सी थ्री मंथ देख सकते हो ठीक है पूरा पढ़ लेना अगर आप पढ़ना चाहो तो वीडियो को रोक के भी पढ़ सकते हो ठीक है मैंने इसको पढ़ लिया मैं बता रहा हूँ केवल ठीक है तो ये मतलब दोनों में फर्क होता है अब जिन लोगों के दिमाग में ये डाउट आ रहा हो कि भाई यू सी कभी एक्सपायर नहीं होती उनका शायद कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा और अगर ये चीज़ अच्छी लगी है तो लाइक करना ठीक है अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जिससे कि आप अपने यूसी की जो एक्सपायरी डेट है उसको भी बढ़ा सकते हो जी हाँ दोस्तों कैसे बढ़ाना है वो मैं आपको एंड में बता दूंगा लेकिन सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जो बोनस यूसी होता है और पेड यूसी होता है कौन सा पैक जो होता है वो बोनस यूसी के अंतर्गत आता है कौन सा पैक ऐसा होता है जो पेड यूसी के अंतर्गत आता है तो चलिए फटाफट से बता देते हैं मेरे भाई तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताता हूं आपको पेड यूसी कौन कौन सी है तो दोस्तों पेड यूसी में जो सबसे पहला आपका आता है मेन वो है ये वाला जी हाँ दोस्तों जैसे ही आप यहां पे जाके परचेस करते हो ना प्ले स्टोर से कोई भी पैक परचेस करते हो उसकी एक्सपायरी डेट पांच साल की होती है यानी कि यहां से आप कोई भी पैक परचेस करो वो पांच साल तक वो यूसी आपका चलने वाला है कटने वाला नहीं है मेरे भाई ठीक है उसके बाद आता है दोस्तों सब्सक्रिप्शन पैक जी हाँ दोस्तों ये भी पेड यूसी के अंतर्गत आता है तो इसका भी अगर आप यूसी यूज करोगे तो वो भी पाँच साल तक चलेगा मेरे भाई ठीक है उसके बाद आता है दोस्तों ये वाला ग्रोथ पैक ठीक है ग्रोथ पैक जो जो मतलब आप यूसी प्ले स्टोर से परचेस करते हो उसमें मैक्सिमम ऐसे पैक होते हैं जो कि आपके पेड पैक होते हैं ठीक है मैक्सिमम सारे नहीं मैक्सिमम ठीक है उसके बाद आता है डेली स्पेशल बंडल ये भी पाँच साल तक चलता है इसका यूसी जो होता है वो भी पेड यूसी के अंतर्गत आता है ये भी पाँच साल तक चलता है ठीक है डेली फॉर्चून पैक हो गया जो कि अभी चला गया उसका यूसी भी पाँच साल तक चलता है मेरे भाई ठीक है अब उन पैक की बात कर लेते हैं जो बोनस पैक के अंतर्गत आते हैं जिनकी यूसी जो मिलती है वो एक्सपायर भी होती है वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों तो वो आते हैं दोस्तों यहां पे यहां पे जाएंगे उसके बाद ये देख सकते हो यूसी अप इवेंट ठीक है इस इवेंट के अंतर्गत जो भी आप यूसी परचेस करते हो जो एक्स्ट्रा यूसी मिलती है बोनस के तौर पे उसकी एक्सपायरी डेट जो होती है वो केवल और केवल तीन मंथ होती है जी हाँ दोस्तों तीन मंथ अगर आप उसको यूज नहीं करोगे तो वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से कट जाएगी मेरे भाई ठीक है और इसका मैंने पूरा प्रूफ भी इनकी वेबसाइट पे आपको दिखा दिया है तो अगर आपने ना पढ़ा हो तो देख लेना जाके ठीक है उसके बाद सेकंड जो चीज़ आती है जो आपको सेकंड में मिलता है वो आपको यहाँ पे मिलेगा शायद अभी मैं आपको दिखा पाऊंगा चीज़ कहा गया हा ये, ये दोस्तों ये देख सकते हो यूसी बोनस चैलेंज ठीक है अब ये जो इवेंट है इसके अंतर्गत जो आपको यूसी मिलता है ये भी एक बोनस यूसी होता है है भाई इस पे तो लिखा भी यूसी बोनस चैलेंज ठीक है तो इसका जो यूसी होता है ये भी आपका तीन मंथ के लिए होता है तीन मंथ तक अगर आपने यूज नहीं किया तो ये भी आपका कट जाएगा मेरे भाई ठीक है तो याद रखना इसको भी आपको यूज करना जरूरी है या फिर इसकी आप एक्सपायरी डेट जो है उसको भी आप बढ़ा सकते हो मेरे भाई ठीक है उसके बाद है है ये जी दोस्तों इसके अंदर भी कभी-कभी यूसी -कभी मिलता है मेरे भाई अभी तो फिलहाल नहीं है नहीं तो अगर इसके अंदर जो इवेंट के अंदर भी यूसी मिलती है ना मेरे भाई वो भी आपके यूसी जो होते हैं वो बोनस यूसी होते हैं याद रखना मेरे भाई ठीक है वो भी आपके एक्सपायर हो जाएंगे तीन मंथ के बाद ठीक है अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि रॉयल पास का जो यूसी होता है वो कौन सा यूसी होता है तो वो भी दोस्तों बोनस यूसी होता है जी हां दोस्तों वो भी दोस्तों। बोनस यूसी होता है जब भी आप रॉयल पास के मिशन करते हो यूसी आपको मिलता है ना वापस से वो बोनस यूसी होता है अगर आपने उसको तीन मंथ तक यूज नहीं किया तो वो यूसी आपके अकाउंट से अपने आप कट जाएगा मेरे भाई ठीक है उसकी आप डेट बढ़ा सकते हो कैसे बढ़ाओगे बता दूंगा ठीक है उसके बाद यहाँ से जो यूसी आपको मिलता है एक्टिविटी पैक से यहां से ये यह यूसी भी आपका बोनस यूसी के अंतर अंतर्गत आता है मेरे भाई याद रखना ये यूसी भी बोनस यूसी के अंतर्गत आता है ठीक है तो रॉयल पास बोनस यूसी और ये जितने भी होते हैं जिनको मैंने बताया इन सब यूसी की जो एक्सपायरी डेट होती है वो तीन मंथ की होती है जो मैंने आपको पहले बताया वो सारे यूसी जिसके पैक जो होते हैं उनकी एक्सपायरी डेट आपकी पाँच साल की होती है मेरे भाई ठीक है अब आप इसकी एक्सपायरी डेट की जो डेट है उसको आप बढ़ा कैसे सकते हो चलिए बताता हूं उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है देखो एक बार अगर आप रॉयल पास लेते हो तो इसकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो तीन महीने के लिए एक्सटेंड कर दी जाती है यानी कि बढ़ा दी जाती है ठीक है तो अगर आपने यूसी रॉयल पास हर मंथ हर बार ले रहे हो तो आपका जो यूसी है उसकी डेट ऐसे ऐसे, ऐसे बढ़ती चली जाएगी मेरे भाई ठीक है लेकिन अगर आपके पास हजार दो हज़ार यू सी हैं बोनस वाले और आप नहीं चाहते हो कि बिना फर्जी में हैं आपके ठीक है तो उसके लिए आप उनकी एक्सपायरी डेट कैसे बढ़ा सकते हो एक्सपायरी डेट बढ़ाने के लिए आपको कुछ नहीं करना जैसे रॉयल पास आए ना यहाँ से आपको बोनस वाला ये पैक एक्टिविटी पैक जो होता है इसको आपको ले लेना है मेरे भाई ठीक है ये एक्टिविटी पैक जैसे ही आप ले लोगे मेरे भाई तो एक्टिविटी पैक लेने के बाद यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर आपका जो यूसी होता है वो यहां पे आता है खर्च होता है खर्च होने के बाद आपको रिफंड मिल जाता है मिशन करने के बाद तो इसकी जो डेट होती है वो तीन मंथ के लिए फिर से बढ़ जाती है मेरे भाई ठीक है तो इस तरह से आपको अपने जो यूसी हैं उनकी डेट को आगे बढ़ाना है मेरे भाई ठीक है अब आपके दिमाग में एक डाउट जरूर आ रहा होगा कि जब भी हम स्पिन करते हैं या फिर यूसी कहीं खर्च करते हैं तो सबसे पहला यूसी जो होता है कौन सा कटता है बोनस वाला या पेड वाला तो मैं आपको बता दूं जब भी आप कोई भी चीज में स्पिन करते हो कोई इवेंट

ना फिर उसकी डेट नहीं बढ़ाई तो वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से रिमूव हो जाएगा उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना जिससे नए वीडियो सबसे पहले